हाय गाइस, टुडे वी विल टॉक अबाउट इंटरव्यू स्किल्स। सो मुझे बहुत से लोगों ने पूछा है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। तो इन माय सेशन टुडे आई एम गोइंग टू कवर कि इंटरव्यू से पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए और इंटरव्यू आपको कैसे देना चाहिए, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डिस्कशन कैसे देना चाहिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना चाहिए। ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन माय वीडियो। सो आई हैव डिवाइडेड द वीडियो इनटू टू पार्ट्स। एक में तो आपको बताया जाएगा कि प्री इंटरव्यू स्किल्स क्या होती हैं, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको पहले से कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और इंटरव्यू के दौरान जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आंसर कैसे देना चाहिए। सो आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। सो इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ कॉमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड आई विल कीप शेयरिंग मोर वीडियोज़ विथ यू सो दैट यू कैन गो अहेड एंड लर्न समथिंग फ्रॉम इट। It's totally free, so you can access from the YouTube. You can actually subscribe and share to your friends, your colleagues also, so that it would be very helpful for them too. Thank you very much. We will start with job search techniques. So how we need to search jobs? First, networking. Networking मतलब कि आपके दोस्त लोग, आपके friends लोग, आपके जान पहचान में जितने भी लोग हैं, try to ask them if there is any kind of job opportunities. Contacting companies directly, जो भी major companies आप जानते हो, जो आप में या आप सोचते हो कि मुझे इसमें काम करना चाहिए, list down all the companies, जाओ उनकी website पे, career का option होता है always on their website, so click on that option and then apply for the job there. Then third, you can go on the job portals. जॉब पोर्टल्स मतलब जैसे naukri.com हो गया या shine.com हो गया, LinkedIn हो गया, यू कैन गो ऑन ऑल दीज जॉब पोर्टल्स एंड अप्लाई एज अ रिलेवेंट जॉब। सर्च फॉर अ जॉब प्रोफाइल दैट मैचेस योर क्राइटेरिया एंड देन यू कैन अप्लाई देयर। देन देयर आर रिस्पॉन्डिंग टू द एडवर्टीजमेंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया में या बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारे न्यूज़ लेटर्स आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, वहाँ यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। सो हम ये जॉब इंटरव्यू थ्री स्टेजेस में कवर करेंगे। एक तो हो गया प्री इंटरव्यू, इंटरव्यू के पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। देन सेकेंड हो गया इंटरव्यू, मेन इंटरव्यू। देन पोस्ट इंटरव्यू, पोस्ट इंटरव्यू के बाद, इंटरव्यू होने के बाद हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्री इंटरव्यू। प्री इंटरव्यू में सबसे पहले हम कवर करेंगे रिसर्च द कंपनी। जिस कंपनी के लिए भी आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, उस कंपनी के बारे में कंप्लीट रिसर्च करके जाना है। यू शुड नो कि वो कंपनी करती क्या है, मार्केट में कितने टाइम से है, व्हाट सॉर्ट ऑफ सैलरी दे आर ऑफरिंग, वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, क्या पोजीशन के लिए आप जा रहे हो, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी उस पोजीशन के लिए। सेकेंडली, बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। ये आपको पता होना चाहिए कि कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होंगे, आप किससे बात करोगे, आप एचआर से इंटरव्यू करने जा रहे हो, मतलब फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू विल बी विद एचआर, और इट हैज़ टू बी विद द ट्रेनर, और इट हैज़ टू बी विद द सीईओ ऑफ द कंपनी, एमडी, व्हिच लेवल यू आर गोइंग, और कौन फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू लेगा। देन थर्ड, प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस। पहले ऑल द क्वेश्चंस यू शुड राइट डाउन कि कौन कौन से क्वेश्चंस यू थिंक दैट कम्स इन योर माइंड। रेस्ट इन द इंटरव्यू प्रिपरेशन वी ऑल्सो कवर व्हाट द क्वेश्चंस आर आस्क्ड व्हाइल इंटरव्यू। सो वी विल जॉट डाउन ऑल द क्वेश्चंस एंड वी विल प्रिपेयर फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ आंसर शुड बी गिवन ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो प्रैक्टिसिंग करने से क्या होगा, आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट होगे, आपको ये पता होगा ये आंसर तो आपको आता है, सो यू कैन बी वेरी प्रॉम्प्ट एट दैट टाइम। फिर आपको डिसाइड करना होगा व्हाट टू वेयर। टू माय ओपिनियन, व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू, बी क्लीन, टाइडी, शेव्ड, प्लस यू शुड वेयर फॉर्मल्स। और पहले से ये प्लान करके रखना कि आपको कितना टाइम लगेगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू साइट पे जाने के लिए। लेट्स से आपकी, आप रहते हो कहीं और, वहाँ से आपको लगता है 1.5 आवर फॉर द प्लेस वेयर द इंटरव्यू इज टेकिंग प्लेस। सो यू नीड टू मैनेज द टाइम अकॉर्डिंगली कि आपको घर से कितने टाइम पे निकलना है। नेवर बी लेट फॉर द इंटरव्यू, बी ऑन टाइम। अब
सेकेंड बात करते हैं कि डे ऑफ इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए। एज आई सेड अर्लियर कि आपको 10 to 15 मिनट्स पहले इंटरव्यू की साइट पे होना चाहिए। सीवी की हमेशा एक एक्स्ट्रा कॉपी अपने साथ होना चाहिए। जो भी वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, बी चेयरफुल टू देम, ग्रीट देम एंड एड्रेस देम विथ स्माइल। यू शुड लुक नीट एंड क्लीन। हाथ अच्छी तरह मिलाना आना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत लूजली हैंड मिलाते हैं। हमेशा हैंडशेक में हमें याद रखना चाहिए, वी शुड ऑलवेज हैंडशेक फॉर्मली। डोंट सिट अंटिल यू आर ऑफर्ड अ चेयर। जब तक इंटरव्यू आपसे बोले नहीं तब तक आप बैठना नहीं। ट्राई टू रिलैक्स एंड लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली। लुक एट द पर्सन आस्किंग क्वेश्चंस। आई कॉन्टैक्ट बना के रखना है और आई कॉन्टैक्ट 30 सेकेंड्स का होना चाहिए। सो 30 सेकेंड्स आई कॉन्टैक्ट होने के बाद यू कैन डाइवर्ट योर आइज, नॉट योर फेस, एंड देन अगेन मेक अ आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप कोई आंसर देते हो आप उससे पहले एक बार सोच लो कि यही आंसर होगा, बट डोंट टेक टू मच टाइम टू थिंक अबाउट द आंसर। इट शुड बी लाइक अराउंड 4 to 5 सेकेंड्स मैक्सिमम। स्पीक क्लियरली। आपका वॉइस टोन कैसा होना चाहिए, आपको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। नेवर से नो टू एनीथिंग वी विल कवर इन द इंटरव्यू सेशन। बेसिकली हाउ टू गिव द आंसर्स। शो इंटरेस्ट एंड एंथुसिज्म। दैट मीन्स यू शुड बी क्यूरियस अबाउट वॉट दे आर ऑफरिंग टू यू एंड यू शुड बी क्यूरियस अबाउट टू नो अबाउट वॉट एवर मोर इज गोइंग टू गिव यू। बी ऑनेस्ट। अब वॉट यू शुड नॉट डू। लेट नहीं पहुँचना। कम्युनिकेशन स्किल्स पर पूरी प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज मतलब आई कॉन्टैक्ट 30 सेकेंड से ज़्यादा गिव्स अ इम्प्रेशन कि आप उन्हें घूर रहे हो। तो डाइवर्ट योर आइज एंड देन अगेन मेक अ आई कॉन्टैक्ट। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू कवर द ग्रूमिंग। वॉट शुड बी आर बॉडी लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। डूज एंड डोंट्स ऑफ द ग्रूमिंग। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर इन द नेक्स्ट सेशन।